गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हिंदू धर्म शास्त्र में शरीर और मन को संतुलित करने के लिए व्रत और उपवास के नियम बनाए गए हैं। तमाम व्रत और उपवासों में से सर्वाधिक महत्व एकादशी का है, जो माह में दो बार पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। एकादशी में भगवान विष्णु या उनके अवतारों की पूजा की जाती है। आज इस वीडियो में बेहद खास चीज़ें बताई जाएगी ताकि आपके जीवन के कष्ट दूर हों और प्रभु परमेश्वर का आशीर्वाद आपको सदा निरंतर मिलता रहे। अश्विन माह में एकादशी उपास का विशेष महत्व है। इससे मन और शरीर दोनों ही संतुलित रहते हैं। इस समय किया गया एकादशी का जो उपवास रहता है उससे गंभीर रोगों से भी हमें राहत मिलती है, पाप का नाश हो जाता है और पितरों की शांति के लिए अश्विन मास की इंदिरा एकादशी का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। इससे आपके कर्म उदय में नहीं आते हैं, पुण्य उदय में आते हैं और पूर्वजों को भी मुक्ति मिलती है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को ही समर्पित होती है। ऐसे में इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है और पितृ पक्ष में आने से इंदिरा एकादशी का महत्व और कई गुना बढ़ जाता है। भगवान विष्णु की कृपा से हमारे जो पितृ हैं उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और उन्हें सुख मिलेगा। उनके सुख से हमें आशीर्वाद मिलेगा और हमारे जीवन के कष्ट बाधाएँ दूर होगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत जो होता है वो सभी को घर में करना चाहिए। जो भी व्यक्ति इंदिरा एकादशी का व्रत रखता है और इस व्रत का जो पुण्य होता है वो अपने पितरों को समर्पित कर देता है तो इससे पितरों को लाभ होता है और जो पितर यमलोक में यमराज का दंड भोग रहे होंगे उनको इंदिरा एकादशी व्रत के प्रभाव से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा करने से आपके पितर नरक लोक से कष्ट भोग करके मुक्त हो जाते हैं और उनको श्री हरि के चरणों में स्थान मिल जाता है। इससे प्रसन्न होकर पितर सुख समृद्धि वंश वृद्धि उन्नति आदि का आशीर्वाद आशीष प्रदान करते हैं। पितृ पक्ष पूरे 16 दिनों के होते हैं। पितृ पक्ष पितरों को समर्पित होते हैं। पितृ पक्ष पूर्वजों के प्रति सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक है। इस दौरान पितरों के निमित्त ही कार्य किए जाते हैं। किसी भी तरह का शुभ कार्य विवाह मुंडन गृह प्रवेश आदि वर्जित होते हैं। पितृपक्ष में पितरों का तर्पण और पिंड दान किया जाता है। माना जाता है कि श्राद्ध पक्ष में पितर पितृलोक से किसी न किसी रूप में सज्जनों से मिलने धरती पर आते हैं और सज्जनों के द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। ब्रह्म वेवर्त पुराण में भी बताया गया है कि देवी देवता को प्रसन्न करने से पहले मनुष्य को अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहिए, अति आवश्यक होता है, क्योंकि जीवन में अगर पितर नाराज होंगे तो हमें कभी भी सफलता नहीं मिल पाएगी। पितरों की इस नाराजगी को पितृ दोष भी कहा जाता है। पितृ पक्ष में हम जो भी उपाय करते हैं, जो भी व्रत करते हैं, श्रद्धा पूर्वक हमें करना चाहिए, शुद्धता पूर्वक भी हमें करना चाहिए और पितृ इससे प्रसन्न होते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको पितरों को प्रसन्न करने का बहुत ही खास और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से पितृ प्रसन्न होंगे और तृप्त होते हैं और पितृ प्रसन्न होकर अपने परिजनों को पितृ दोष से मुक्ति का आशीर्वाद भी देते हैं। पितृ देव के साथ साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भी हमें कृपा मिलेगी। कष्ट और संकटों से छुटकारा मिलता है और घर में सुख समृद्धि आती है। वैसे तो इस उपाय को आप पितृ पक्ष में किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन इस उपाय को पितृ पक्ष में आने वाले गुरुवार या एकादशी के दिन अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि गुरुवार और एकादशी का दिन भगवान श्री हरि को समर्पित होता है और शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान विष्णु की पूजा से पितृदेव को प्रसन्नता मिलती है और भगवान विष्णु को प्रसन्न करना अति आवश्यक है ताकि वो हमारे पितरों को दोषों से मुक्त कर दें। गुरुवार और एकादशी के साथ साथ इस उपाय को पितृ अमावस्या, जिसे सर्व पितृ अमावस्या भी कहते हैं, इस दिन भी कर सकते हैं और करना चाहिए, क्योंकि सर्वपितृ अमावस्या पर भी पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण किए जाते हैं। तो आइए जानते हैं इस उपाय के बारे में। बड़ी आसानी से सुनिएगा क्योंकि बहुत अच्छा उपाय होने वाला है। भगवान विष्णु की कृपा से हमारे पितरों को आशीर्वाद मिलेगा और पितृ दोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाएगा और पितृ आशीर्वाद जैसे ही हमारे जीवन में आएगा हमारे दुख दरिद्रता सब कुछ दूर हो जाएंगे। एकादशी के इस पावन दिन पर, अमावस्या के इस पावन दिन पर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र आपको धारण करना है। ध्यान रखें, इस उपाय को करते समय भूल कर भी आपको काले रंग के वस्त्र नहीं पहनना है। इसके बाद आपको एक पात्र लेना है जिसमें आपको जल भरना है
और इस उपाय को करने के लिए आपको तांबे के पात्र का इस्तेमाल नहीं करना है, आप स्टील का लोटा ले सकते हैं। ध्यान रखें आपके जो लोटे में केवल जल होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, एक लकड़ी की चौकी लेना है और उस चौकी पर आपको लाल या पीला वस्त्र बिछाना है और उसके ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की फ़ोटो रखना है। ध्यान रखें एकादशी का पावन दिन है, भगवान विष्णु को समर्पित होता है, तो भगवान विष्णु की फ़ोटो आपको रखनी है। प्रतिमा हो तो प्रतिमा रखें, अगर प्रतिमा है तो आप उनका अभिषेक भी करें। फ़ोटो को अच्छे साफ़ करके आपको रखना है। उसके बाद आपको काले तिल लेने हैं, आपको एक मुट्ठी में काले तिल लेने हैं और काले तिल वहाँ पर रखने हैं। ध्यान रखें थोड़े से ही लें, लेकिन आपको काले तिल लेने हैं और उसके ऊपर आपको एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना है, या तो तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक के अंदर एक चुटकी हल्दी भी आपको मिला देनी है। अब आपको भगवान विष्णु को हल्दी से तिलक करना है और माता लक्ष्मी को हल्दी और कुमकुम दोनों से तिलक करना है। अगर आप उपवास करते हैं तो उपवास का संकल्प भी आपको लेना चाहिए, अगर उपवास नहीं करते हैं तो भी ये क्रिया आप कर सकते हैं। अब भगवान विष्णु के सामने आपको उनके द्वादश मंत्र का ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कम से कम आपको 108 बार जाप करना है। आपको क्या करना है, भगवान विष्णु को पीले पुष्प बहुत अति प्रिय होते हैं, तो पीले पुष्प उनको अर्पण करना है और साथ ही साथ आपको उनको पीली मिठाइयाँ अर्पण करना है। अगर पीली मिठाइयाँ ना हो तो कम से कम आपको गुड़ का आपको भोग लगाना है और उसमें तुलसी दल आपको अवश्य मिलाना है। ध्यान रखें तुलसी दल जो पुराने हैं वो भी आप वापस सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको एकादशी के दिन तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, उनके पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। तो अगर आपके पास पुराने हैं या तुलसी जी के आसपास जो घिरे हुए पत्ते हैं वो उन्हें उठा करके आप उन्हें गंगा जल से या शुद्ध जल से आप साफ करके उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु बिना तुलसी दल के भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। माता लक्ष्मी का ओम श्रीम नमः इस मंत्र का भी आपको 108 बार जप करना है और भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी है कि जो भी हमारे पितर हैं, भी कष्ट वो भोग रहे हैं उनसे उन्हें मुक्त करें। उनके लिए आपको प्रार्थना करनी चाहिए और उनसे कहना है कि ये जो व्रत हम कर रहे हैं ये उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनकी तृप्ति के लिए, आपके चरणों में स्थान मिले इसलिए हम ये व्रत कर रहे हैं या उपाय कर रहे हैं। तो आपके शरण में प्रभु उनको लेना, बड़ी भक्ति भाव से आपको भगवान से प्रार्थना करनी है ताकि भगवान आपकी विनंती सुन ले। अब आपको भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। भगवान विष्णु की चालीसा अगर आती है, आपको कुछ भी आता है, तो आपको उनका पाठ करना चाहिए। उसके बाद अंत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आपको आरती करनी चाहिए। अब आपको दिए के नीचे से काले तिल आपको उठाने हैं और आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए आपको जो जल के पात्र में जो स्टील का जो लोटा रखा हुआ है उसके अंदर आपको डाल देना है। अब आपको ये जो लोटा है ये उठाना है। उसके बाद आपको आपके घर के नैऋत्य कोण यानी कि दक्षिण पश्चिम की दिशा में आपको जाना है, दक्षिण की तरफ मुख करके ये जल आपको अर्पण करना है। ओम पितृ देवताय नमः, ओम पितृ देवताय नमः कम से कम 108 बार आपको जाप करते करते और ये जल आपको अर्पण करना है और उसके बाद वहीं पर खड़े रह करके ओम पितृ देवताय नमः का 108 बार जप करना है और पितृदेव को प्रणाम करना है और उनसे कहना है कि भगवान विष्णु के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं, जो भी आप भोग रहे हैं उनसे मुक्ति मिलेगी और हमें आपका आशीर्वाद चाहिए, हमारे जीवन में आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि आपके आशीर्वाद से हमारा वंश भी बढ़े और हमारे जीवन में जितने भी दुख आ रहे हैं वो सब दूर हो जाए। हे पितृदेव, आपकी कृपा हमारे जीवन में हमेशा अंतर बरसती रहे, ऐसे आपको बड़े भक्ति भाव से अपने पितरों से आशीर्वाद प्राप्त करना है। बड़ा ही आसान और उत्तम उपाय है। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।